रद्द नहीं करेगी। और इसी के साथ किसानों को सरकार भेजेगी नया प्रस्ताव। 11 बजे सरकार किसानों के पास प्रस्ताव भेजने वाली है। दोपहर 12 बजे किसान मिलकर मंत्रणा करेंगे। आज सिंघू बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे बैठक होगी। गृह मंत्री के साथ भी बैठक बेनतीजा रही है। सरकार लिखित संशोधन प्रस्ताव दे सकती है। 12 बजे सरकार किसानों के बीच यह बैठक होने वाली है। तो गृह मंत्री के साथ चली बैठक बेनतीजा निकली है। सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार लिखित संशोधन प्रस्ताव भेजने वाली है। 12 बजे सरकार और किसानों के बीच बैठक हो सकती है। दिल्ली किसान सरकार के बीच आज नहीं होगी बैठक। कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार पुष्कल, आज जो बैठक होनी थी, पहले से प्रस्तावित थी कि 9 तारीख को होगी, क्या वो टल सकती है या फिर हो सकती है? देखिए शिवांगी, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया था। देर रात पूसा इंस्टीट्यूट में कल एक अहम बैठक हुई थी, निर्णायक बैठक कही जा सकती थी, लेकिन वो भी बेनतीजा निकली। गृह मंत्री ने तमाम जो तीनों कृषि बिल है उसका प्रेजेंटेशन उन किसानों के बीच का दिया गया और कहा गया कि ये बिल किसानों के हित में है, फिर भी किसानों जो किसान संगठन है वो नहीं माने और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि देर रात वो बैठक थी, बेनतीजा निकली। और आज सुबह केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक लिखित संशोधन प्रस्ताव आप किसानों को 11 बजे दिया जाएगा, जिसको लेकर किसान तमाम जहां पर सिंधु बॉर्डर पर जो बैठकें होती है वहां पर वो मंत्रणा करेंगे और हो सकता है कि 12 बजे के बाद फिर एक बैठक आहूत किया जाए केंद्र और किसानों के बीच। लेकिन फिलहाल जो 14वां दिन है आज इस आंदोलन का और सुबह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज कैबिनेट की भी बैठक होनी है, उसमें इस पूरे बिल और आंदोलन के बारे में भी चर्चा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं 11 बजे जो लिखित संशोधन प्रस्ताव आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे उन किसानों के लिए, जिससे साफ तौर पर ये कहा जाए कि ये आंदोलन बंद हो सकता है।